हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पार्ट रिव्यू। सो आज हमारे लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं रिडॉक्स रिएक्शन, एंड हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ लिया है, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन हमने कर लिया है, तो आयन न्यूट्रल मेथड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो हम लोग ने लास्ट टाइम कवर नहीं हो पाया था उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। तो लेट्स डू अ स्मॉल क्विक रिवीजन। तो स्टार्टिंग विथ व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है? तो यहां से हम करते हैं स्टार्ट रिडॉक्स रिएक्शन। तो सबसे पहले, क्योंकि ये आपका एक रिविजन सीरीज है, तो मैं सबसे पहले आप लोग को इस तरह से बोलने जा रहा हूँ कि रिडॉक्स आपका क्या होता है, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। तो जहां पे एक रिएक्शन में जहां पे रिडॉक्स हो रहा है, यानी कि जहां पे रिडक्शन हो रहा है, सिमिलरली वहां भी ऑक्सीडेशन भी होगा, ठीक है? मतलब एट द सेम टाइम एक होगा रिडक्शन, एक होगा ऑक्सीडेशन। नाउ व्हाट इज रिडक्शन, व्हाट इज ऑक्सीडेशन, लेट्स सी व्हाट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर मैं लिखता हूं ऑक्सीडेशन, मतलब क्या होता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर आप किसी भी, देखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन वो एक रिएक्शन है, अगर वहां पे हम लोगों ने कुछ किस चीज को ऐड किया है, उसके बाद हम लोगों का जो रिएक्शन, जो प्रोडक्ट आया, वहां पे ऑक्सीजन ऐड हो गया, ऑक्सीजन का नंबर इंक्रीज हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज ऑक्सीडेशन, ठीक है? या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। देखो यार, इतना सब तो सबको भी आता है, एंड आई विल गो फास्ट, क्योंकि आपका रिविजन कोर्स है, यहाँ पे हमें रिविजन करना है, ठीक है? या फिर और क्या हो गया, व्हाट इज रिडक्शन, इसका बिल्कुल उल्टा मैं लिखूंगा नहीं, आप लोग थोड़ी समझ लो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब हम आते हैं एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट पे, ये जो हमने कवर कर लिया था लास्ट क्लास में ही, इसे मैं रिवाइज करवा रहा हूं। एक है आपका मॉडर्न कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द मॉडर्न कॉन्सेप्ट, ये आपका है कि ऑक्सीडेशन आपका क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, ऑयल। मैं डिस्कस कर लास्ट क्लास में क्या, ऑयल मतलब क्या, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑयल ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होता है आपका ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जाम्पल Fe2+ से अगर हमें Fe3+ मिला, इसका मतलब क्या, ये चार्ज इंक्रीज हुआ, +2 से +3 हुआ, इसका मतलब ये है कि ये ऑक्सीडेशन हुआ, क्योंकि चार्ज इंक्रीज हुआ। या हम ये भी बोल सकते, देखो यहाँ पे आपका 2 इलेक्ट्रॉन कम, यहाँ पे आपका 3 इलेक्ट्रॉन कम है ना, यहाँ पे 2 कम था, यहाँ पे आपका 3 कम था, इसका मतलब क्या, इस 2 से ये जो 2 था कम, यहाँ पे आपका 3 कम है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, एक इलेक्ट्रॉन आपका रिलीज हुआ, तभी तो 3+ वाला है कि नहीं, तो आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, ठीक है? ये आपका ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, RIG, ठीक है? ये हो गया आपका एक छोटा सा रिवाइज, ठीक है, ये हो गया आपका छोटा सा रिवाइज। अब देखो याद रखो, और दो भी है, वो क्या है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एलिमेंट, यहाँ पे क्या होगा रिडक्शन में, उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है? ये सब क्विक रिवीजन था। अब हम लोग समझते हैं, अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, आप लोग इसको नोट कर लो बढ़िया से, अगर करना है या फिर समझ लो। अब हम लोग बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट की, मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, और आपका एक है रिड्यूसिंग एजेंट। सबसे पहले मैं आपको लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया था कि मान लो कि आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो किसी के साथ कुछ छोरी छोटे पहले मिलने के लिए जा रही है, ठीक है, मान लेते हैं। अब आपको चाहिए कोई एजेंट जो आपका काम करे, चुपके से वो पता करे कि वो कहाँ जा रही है, किसी से बात करे, किसी से वो टेक्स्ट कर रही है, इसका मतलब क्या, वो एजेंट हो गया, एजेंट किसी दूसरे के लिए काम करता है। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, वो खुद रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, दूसरे को, अरे आगे ना समझ में इतना, ये खुद तो रिड्यूस होगा नहीं, ये खुद तो हो जाएगा ऑक्सीडाइज, लेकिन दूसरे को रिड्यूस करवा देगा, एजेंट अपने लिए नहीं करता है, दूसरे के लिए करता है ना। तो ये आपका हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होगा, रिडक्शन होगा, क्या होगा, रिडक्शन होगा, और रिड्यूस में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो यानी कि अगर कोई आपका रिडक्शन में कोई चीज आपका एज ए रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव कर रहा है, तो वो आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो गया। सिमिलरली इसका उल्टा ये वाला है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अब देखो, अब हम लोग देखने वाले हैं ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लो कि ऑक्सीडेशन जो आपका नंबर है वो है, ठीक है, जो भी आपका फ्री एलिमेंट, जो भी आपका फ्री एलिमेंट है उन सबका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। फॉर एग्जाम्पल S8P4H2O2 कुछ भी पकड़ लो एटसेट्रा, ठीक है, इट इज एटसेट्रा, ये हो गया आपका बेसिकली फ्री एलिमेंट जो कि आपके नेचर में पाए जाते हैं।
जो भी चीज अपने नेचर में पाया जाता है वो आपका होता है फ्री एलिमेंट एंड उसमें कुछ भी चार्ज नहीं होता है, उसका आपका होता है ऑप्शन नंबर जीरो। क्या होता है? आर्यभट्ट होता है, जीरो होता है। ठीक है, कितना समझ में आ गया? अब देखो भैया, कोई आपका आयन है, कोई आपका आयन मान लेते हैं। देखो सबसे पहले आपके एल्किल मेटल्स, ठीक है, एल्किल मेटल्स क्या होगा? ये हम सबको पता है कि ग्रुप वाटर होता है, किस गति को बतानी है, सबको पता है ना, कैलिफियल पता है कि नहीं? ग्रुप वन में होता है एल्किल मेटल्स, एल्कलाइन कहां पे होता है? ग्रुप टू में होता है ना। एल्कलाइन कहां पे होता है? एल्कलाइन होता है ग्रुप टू में। तो ग्रुप वन में जितने भी है, कौन यहाँ पे पूछे बच्चा, जो बोलेगा ग्रुप वन में कौन सा एलिमेंट है ना। लेकिन आप सोचिए, आप कौन सा वीडियो से फ्रेंड है? अरे मैं होशियार नहीं, मैं होशियार नहीं हूँ, मजाक कर रहा हूँ। लेकिन आप लोग इसको याद रखो कि ग्रुप वन में कौन से एलिमेंट होते हैं। ग्रुप टू में क्या होता है? रेडियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है, ये आपको दिमाग में रहना चाहिए। तो इनमें आपका प्लस वन आएगा, इनमें आपका प्लस टू आएगा। क्यों आएगा प्लस टू? अरे सिंपल सा लॉजिक है यार, सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो हम क्या लिखेंगे? 2.8.1। एक इलेक्ट्रॉन आपका बाहर में है तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, तो उसका प्लस वन आएगा। सिमिलरली बाकी में आप देख लो, जितने भी है, लिथियम का देख लो, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सोडियम, फ्रेंशियम, सबका देख लो, बाहर में एक ही आएगा, 2.8.1, 2.8.1 ऐसे आता जाएगा। तो वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, इसको दे सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका प्लस वन ऑप्शन सेट आएगा। इसका क्या आएगा? ग्रुप टू मैग्नीशियम है ना, बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इन सब में प्लस टू आएगा। भले दो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, दे सकता है, ऑक्सीडेशन हो सकता है। ठीक है, चलो कितना हुआ एल्युमिनियम का, कमेंट बॉक्स में लिखो एल्युमिनियम का कितना होगा। ठीक है, ग्रुप 13 है, कितना बोल रहे हो? ठीक है, चलो अब देखो इसको मैं रफ कर देता हूं, अगर आपको एक बार स्क्रीनशॉट लिया फिर नोट कर दो, हम डिस्कस करते हैं, कर लिया आप? चलो ओके, अब देखो इसको फास्ट फॉरवर्ड भी देख सकते हो 1.5x में अपने टाइम को सेव करने के लिए, या फिर अगर आपको पसंद है तो राइट देखो, कोई इशू नहीं है। अब हम लोग देखते हैं जो जनरल ऑक्सीडेशन नंबर होता है ऑक्सीजन का। ठीक है, ऑक्सीजन आपका एक ऐसा एलिमेंट है जो आपका ग्रुप 16 में बिलोंग करता है, तो उसका जनरल कितना होना चाहिए? -2 होना चाहिए। हाँ जी, -2 ही है, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेज इज बेसिकली -2। लेकिन ये आपके सुपर ऑक्साइड में कितना आएगा, या फिर पेरोक्साइड में कितना आएगा? सुपर से कितना आएगा? -1/2, इसमें -1 है ना। अरे एग्जांपल ले लो यार, KO2, RbO2, कितना आएगा? -1 है। एग्जांपल बोलो H2O2, कितना आएगा? -1 आएगा ना, H2O2। ठीक है, नहीं आ समझ में आ गया ना इतना? चलो आप देखो प्लस कहां पे होता है, प्लस भी होता है। ऑक्सीजन आपका एक क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, नो डाउट ये है, इसका आना चाहिए माइनस है, चलो माइनस है, चलो माइनस है, लेकिन तो प्लस भी आएगा, प्लस है इसके साथ O2F2 और OF2 में आएगा ऑक्सीडाइज, क्यों आएगा? अब देखो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द होल पीरियोडिक टेबल। फिर से बोलता हूँ, फ्लोरीन का हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट -1 ही आएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? फ्लोरीन है। तो अगर फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, अरे कुछ भी हो गया, सामने वाले को पॉजिटिव होना पड़ेगा, फिर फ्लोरीन तो निगेटिव रहेगा है ना, फ्लोरीन को तो निगेटिव ही रहेगा, क्योंकि सामने वाला पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? O2F2। ठीक है, फ्लोरीन तो निगेटिव में आएगा, ऑक्सीजन किसमें आएगा? इसका निकालो, इसका निकालो, निकाला सबको आता है? अरे नहीं आता है, अरे सीखा नहीं गया, क्या करेगा यार? OF2, चलो कोको मान लेते हैं X, 2 है, ठीक है, 12 का -1 आएगा, इक्वल टू 0, ऊपर कोई चार्ज नहीं है, x इक्वल टू +2 आ गया, इसका आ गया +2, इसका कितना आएगा? O2F2, कोको मानते हैं x, कोको मानते हैं x, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2x होगा, प्लस 2F है, 1 का -1, तो 2 का -2 आएगा, इक्वल टू 0, ऊपर कोई चार्ज नहीं है, 2x इक्वल टू +2, x इक्वल टू +1, तो कितना आया? इसका कितना आया? +1, इसका कितना आया था? अरे +2। तो ऑक्सीजन का +1 +2 शो करता है सिर्फ और सिर्फ कौन से एलिमेंट में? सिर्फ और सिर्फ करता है इस एलिमेंट में, बाकी सब में तो यार माइनस ही है। ठीक है, इतना आ गया समझ में? चलो हो जाए बच्चों, इतना समझ में आ गया, नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब देखो, अब आप लोग एक खुद करो, एक आप लोग खुद करो, वो है आपका ये वाला, करो ये वाला खुद से करो। ठीक है, ये वाला खुद से करो, बस ये वाला ही करो। ओ हाँ, ये वाला भी करना है, ठीक है, ये वाला भी करना है, चलो चलो ये वाला करना है। इसका निकालो कितना होगा?
इसका 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 थोड़ा पॉज ले लो, ट्राई करो, 5 4 3 2 1 रेडी स्टडी गो, है ना, रेडी स्टडी गो, गो नहीं गो, चेन्नई से बोलते हैं ना रेडी स्टडी गो, तो हम भी बोल रहे हैं। इसका कितना आएगा बच्चों? अरे देखो भाई साहब फ्लोरीन नेगेटिव है, फ्लोरीन नेगेटिव है, लेकिन फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसमें तो माइनस ही आएगा, फ्लोरीन को बोलते हैं x प्लस 3 * माइनस 1 इक्वल टू 0, ऊपर पे चार्ज नहीं है, इतना सब पता है ना, अरे भाई ऊपर पे चार्ज है क्या, नहीं है, तो क्या आएगा, इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है चलो x इक्वल टू प्लस 3, फ्लोरीन कितना आया प्लस 3 आया। अब हमसे बच्चों H2SO5, H2SO5 किसका निकालना है, सल्फर का निकालना है, किसका निकालना है, सल्फर का। अब इन तीनों में आप लोगों ने जो किया है, अगर आपने यहाँ पे निकाला है कितना -10 +4 निकाला है, इस पे आप निकाल सकते हो +10, इस पे आपने कितना निकाला होगा -16 -14 +7 ऐसे कुछ निकाला हो ना, है कि नहीं, चलो थोड़ा फास्ट करना पड़ता है यार, हम तो उसे कर लेते हैं, आप लोगों को भी उसे करना है, ठीक है माइंड में करना है। इसमें देखो यार इसमें क्या है, H2SO5 है, मतलब H2SO4 प्लस एक ऑक्सीजन H2SO5 हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा, In this diagram, we have to draw the structures. Draw the structures. आपको यहाँ पे structures draw करने होंगे, तभी आपको समझ में आने वाले हैं, पढ़ना को नहीं आने वाले हैं। अगर आप लोग ये सब को without drawing का structure करने वाले हो, आपका गलत आ जाएगा। कैसे? CrO5 पे, है ना? Example देखते हैं। इसे पे क्या मैं लिख सकता हूँ? लिख सकते हो इसे पे? ठीक है भैया। CrO5 है। क्रोमियम को मैंने एक्सपो कर लिया। 5 ऑक्सीजन है। एक का ऑक्सीजन का -2, कैसे -2 आया? अरे भाई साहब एक क्या लिखा था मैंने, एक क्या लिखा था -2 है ना, तो -2 लिखा, जनरल इज -2 ओनली, सिर्फ और सिर्फ सुपर ऑक्सीजन के साथ -2 फिर उससे -1 और ये आपका +2, ठीक है चलो। ये कितना आएगा आपका, इक्वल टू 0 आ गया, ये कितना आएगा आपका +10 हो ही नहीं सकता, +10 हो ही नहीं सकता, तो क्या आएगा, विल नोट दिस एक्चुअल विद द स्ट्रक्चर, बेटा स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ऐसे में ऑल ऑफ दिस थिंग्स आई हैव एक्सप्लेन इन द लास्ट वीडियो, तो जाके देख लेना, अगर नहीं देखा है तो मैं यहां पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। इसका आपका आएगा CrO5 का ऐसा 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 और ऐसा, ठीक है ऐसा आने वाला है, तो यहां पे ओ ओ ओ ओ और ओ ऐसे आने वाला है, इस पे दो तितलियां हो गई, ये इसका आपका होता है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, इसका आपका होता है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, ठीक है इसको आपको बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, ये आपका क्या है ऐसा वाला है। इसका कितना ऑक्सीजन नंबर देखो, इसमें -2 जा रहा है डबल बॉन्डेड है तो इसमें +2 आएगा, इसमें -1 है +1 आएगा, इसमें -1 है तो +1 आएगा, -1 +1 -1 +1 कैसे आया -1 +1, अरे भाई साहब ओ के साथ डबल बॉन्डेड है तो कितना इलेक्ट्रॉन है अपने पास, 2 इलेक्ट्रॉन अपने पास है, कितना इलेक्ट्रॉन दिया, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये +2 आया। इसके साथ इस वाले इसके साथ ओ के साथ एक ओ है, ओ के साथ एक क्रोमियम है, अब इस वाले के साथ कितना है, एक ही सिंगल बॉन्ड है ना, तो भैया एक तो इलेक्ट्रॉन खींचा, अरे भाई साहब क्रोमियम के ऑक्सीजन में कितना बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्ड है कि नहीं, तो एक ही तो इलेक्ट्रॉन खींचाऊ, तो एक इलेक्ट्रॉन खींचा -1 इससे फिर प्लस 1 नहीं आएगा क्या, अब ओ के साथ कोई नहीं हुआ सवाल, अरे सेम सेम एलिमेंट है तो 0 ही तो आएगा, अगर मैं लेता हूं ओ कमा ओ तो 0 आएगा, क्लोरीन कमा क्लोरीन तो 0 आएगा, क्लोरीन कमा क्लोरीन तो 0 आएगा, ये देखो ओ कमा ओ अरे 0 आएगा, सिंपल है, तो ये आ गया लगा पाओगे बढ़िया से, ठीक है ऑक्सीजन ऐसे डाल दो, ठीक है इससे मैं डालता हूं, बाकी ऑक्सीजन से डाल दो कुछ तो बना ही लोगे, है ना, इतना टफ नहीं है, बहुत इजी है, अपने से कर लेना, ठीक है चलो। अब हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट, जो कि आपका, अब देखो यहाँ पे जिनको नहीं आता है ऑक्सीजन नंबर निकालना वो जान लेंगे, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया सीधे वाले के उसमें करवा लेता हूँ, एक क्वेश्चन आया था सीधे वाले के वो मैं करवा देता हूँ, CaOCl2 वाला, ठीक है अब यहाँ पे निकालने के लिए बोला है इसका, अब यहाँ पे कोई पूछना सकता है, एक है आपका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन, ठीक है अब इसका कैसे निकालोगे, इसका आप कैसे निकाल रहे, ये देखो ये आपका क्या है CA क्लोरीन है, ठीक है अब एक आपका हो सकता है OCl, एक आपका हो सकता है देखो OCl आ गया, एक आपका हो गया Cl, ठीक है समझ में आया, तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना है ये पूछा जा सकता है, तो अब आप क्या बोलोगे,
यहाँ पे आप क्या बोलने वाले हो, सी एल सी एल में दो सी एल है, एक सी है एक ओ है, ठीक है, क्या लिखोगे? अब देखो सिंपल सा मेरा लॉजिक है, ओ सी एल और सी ए आपका डॉक्टर से बोलने, तो ये आपका प्लस टू में आएगा, ठीक है, ये आपका इसमें आएगा, वो आपका नेगेटिव होता है तो ये आपका पॉजिटिव में जाएगा, ये आपका नेगेटिव में जाएगा, इसका आएगा माइनस वन, इसका आएगा प्लस वन, ठीक है, ये आपका ऐसे रहने वाला है, ठीक है, नहीं समझ में आ गया ना? तो एक आपका, एक का आपका होगा प्लस वन, एक का आपका होगा माइनस वन, इसका अगर आप लोग एवरेज निकालोगे तो आपका आएगा जीरो, तो अगर आप क्वेश्चन पूछा है ठीक है। चलो अभी ये हम लोग रफ कर लेते हैं, इतना अगर समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा हम लोग फास्ट जा रहे हैं तो स्पीड को करने का ट्राई करो, क्योंकि हमें बहुत कुछ कवर करना है आज, ठीक है, विल कवर मोस्ट ऑफ द थिंग्स, तो आप लोग समझ लो इस बात को। आई होप मेरा वॉइस भी आप सबको क्लियर हो, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो, आपके दिलों तक पहुंच रही है ना, मजा आ रहा है। चलो अब हम लोग करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो हम लोग का है बेसिकली टाइप्स ऑफ रिडक्स रिएक्शन, ज्यादा हम लोग लेंगे नहीं, टाइप्स ऑफ रिडक्स देख लो, बहुत ही आपका इजी टॉपिक है, टफ टॉपिक नहीं है भाई, टाइप्स ऑफ रिडक्स रिएक्शन, ठीक है, मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा खराब है लेकिन समझने की ट्राई करो। एक है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इतना आप सबको आता है, व्हाट इज कॉम्बिनेशन, जो कंबाइन करते हैं यार, जो कंबाइन करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन, व्हाट इज डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन का उल्टा है। एक है आपका डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है, एक है आपका डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, और एक है आपका कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जो डिसप्रोपोर्शन का उल्टा है, ठीक है, एक है आपका कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, तो डिसप्रोपोर्शन का उल्टा है। आप देखो मैं इन सबको थोड़ा फास्ट एक्सप्लेन करूंगा, कॉम्बिनेशन मतलब क्या, कि जो कंबाइन होते हैं कुछ एक मिलता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम लोग ए प्लस बी करके अगर सी ला रहे हैं, ठीक है, या फिर एग्जाम्पल लेता हूँ एस प्लस ओ टू इज इक्वल टू एसओ टू आ रहा है, या फिर एमजी प्लस ओ टू इज इक्वल टू कितना एमजीओ आ रहा है, ट्वाइस दे दिया, ट्वाइस दे दिया, चलो बैलेंस कर लिया, ठीक है, या फिर अगर हम यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस नाइट्रोजन देखिए एमजी थ्री एन टू ला रहे हैं, या फिर आपका एन टू आएगा, या फिर आपका थ्री एन टू आएगा कर रहे हैं, तो आपका कॉम्बिनेशन हो गया, अरे भाई साहब कंबाइन है, रेडॉक्स है तो एक होगा ऑक्सीडेशन एक होगा रिडक्शन, ठीक है, रेडॉक्स है तो एक होगा ऑक्सीडेशन एक होगा रिडक्शन, सिंपल है, ठीक है। अब देखो डिकम्पोजिशन क्या है, उल्टा है, डिकम्पोजिशन क्या है, उल्टा है, ठीक है, उल्टा है, इसका उल्टा मतलब सी से ए प्लस बी आ गया, उल्टा है। व्हाट इज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन जहां पे एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी होगा रिड्यूस भी होगा, मान लो ए प्लस बी से हम लोग को सी प्लस डी मिल रहा है, तो ए आपका ऑक्सीडाइज भी हुआ, ए आपका रिड्यूस भी हुआ, अगर सेम एलिमेंट आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रहा है तो ये आपका होता है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इसका उल्टा है कॉम्प्रोपोर्शन रिएक्शन, इसका क्या है कि इसका उल्टा बिल्कुल, सेम एलिमेंट आपका ऑक्सीडेशन निकला रिडक्शन निकला प्रोडक्ट में से सेम ही आपका दो दो देगा, मतलब इसका बिल्कुल ऑपोजिट है, ये आपका हो रहा है ऑक्सीडेशन ये और रिडक्शन, तो इसका उल्टा जो रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका सेम हो रहा है, एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है, मतलब एक ही प्रोडक्ट हमको मिलने जहां पे ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है, ठीक है, ये इतना आता नहीं है, इतना आपका आता है, फिर भी आप लोग को मैंने सिखा दिया है जो भी बेसिक बेसिक बातें हैं, जो भी आपका एग्जाम में क्विक क्वेश्चन मतलब आ सकता है, ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पे बोल दिया है। अब आता है आपका बैलेंसिंग नियम, अब बैलेंसिंग आप कैसे करोगे, बैलेंसिंग मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया दिया था ऑलरेडी, फिर भी आप लोग देख लेते हैं बैलेंसिंग, आप मेरे सबसे पहले वीडियो को जाके देखो, बैलेंसिंग में आपका आता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, एक आपका आता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, जहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है, मोस्टली ये वाला मेथड है आपका फेवरेबल है, ये वाला आपका इतना फेवरेबल नहीं है, इस वक्त मैंने ऑलरेडी सिखा दिया है फॉर द एसिडिक मीडियम, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस वीडियो इन एसिडिक मीडियम, आई हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस, मैंने ऑलरेडी इसको कवर कर लिया है। जब क्या करना होता है, किसी को रिवाइज करवा लेता हूं, सबसे पहले आपको उस इक्वेशन को लिखना होगा, फिर आपको लिखना होगा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को, फिर आपको लिखना होगा रिडक्शन हाफ रिएक्शन को, फिर आपको बैलेंस ऑल द एलिमेंट्स, सबसे पहले ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के अलावा बाकी सबको बैलेंस करो, उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करो बाय एडिंग H2O इन द हाइड्रोसाइड,
ठीक है, फिर हाइड्रोजन बैलेंस करो H प्लस आयन ऐड करके, फिर चार्ज बैलेंस करो, फिर उसको ऐड करो, लिख दो, है ना, हो गया। चलो बेसिक थिंग में क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता है भाई साहब, बहुत इजी है। मैं एक वीडियो में दो तीन नंबर करवाऊंगा, नेक्स्ट वाले वीडियो में उसमें देख लेना बेसिक वाला भी क्लियर हो जाएगा, एंड इसका भी मैं दो तीन एग्जाम्पल दे दूंगा, बहुत इजी है, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट।